साला अपने दिमाग का टोटल 44 हो गया जब पता लगा इस 40 कमरे के रिजॉर्ट में हम इकलौते गेस्ट हैं। कई बार आती आवाजों को सुनने में इधर उधर भागा और शीशे में खुद को देखकर ही मेरी तिया पाछी हो गई। भाई रात पारा -6 तक गया लेकिन नींद बढ़िया आई और सुबह एकदम सुहानी हुई। सोचा रिजॉर्ट का टूर ले लें, अकेले थे तो एकदम बाबू वाली फीलिंग आ रही थी। यहाँ हमारे पिताजी ने पेड़ पौधों पे इंटरव्यू लेना चालू कर दिया और लौंडा हमारा एकदम टेढ़ी खीर है, गिरे जा रहा था पर खेलना बर्फ पर ही है। अब हम निकल पड़े थे नागर कासल की तरफ। सुबह सूरज ऐसे चमक के कह रहा था कि भाई कोई बढ़िया सा किशोर कुमार का गाना लगा दो। एक समझदार ने हमें गलत रास्ते भेज दिया, फिर कैसे तैसे हमने चढ़ाई करके गाड़ी साइड पर लगाई और निकल पड़े नागर कासल की तरफ। लेकिन नजर हमारी पड़ी विष्णु मंदिर पर। भाई ये मंदिर 11वीं शताब्दी में बनाया गया था। यहाँ भगवान विष्णु का चतुर्भुज अवतार को स्थापित किया गया है। मंदिर के अंदर जाने के लिए प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ता है, इसलिए हमने बाहर से ही मत्था टेका और नंदी महाराज से मिले और मंदिर का परिक्रमा लगा के नागर कासल को निकल गए।